बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उनका साथ नुनिया बेलदार बिंद संगठन का भी मिला है। इस संगठन के साथ मिल जाने से समर्थकों का उत्साह चरम पर है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि इस बार हमारा समाज पूरी तरह अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। इस स्वाभिमान की लड़ाई में वह किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं है। हालांकि कई मंत्री और लोग आ रहे हैं और हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए, लेकिन गलती ऐसी है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। एक संगठन है अति पिछड़ा जमात का, नोनिया बिंद बेलदार। वो संगठन समर्थन दे रहा है, उसी की आज एक बैठक थी। उसी कॉन्टेक्स्ट में उसके जो संयोजक हैं प्रदेश के, बच्चू सिंह बीरू, उनके नेतृत्व में यहाँ काम हो रहा था। आज संसदीय क्षेत्र के विभिन्न जगहों से लोग यहाँ आए हैं, जिसमें भारी संख्या अतरी से है, अतरी असेंबली से है, मखदुमपुर से है, घोसी से है और जहानाबाद मखदुमपुर से। तो यह बेलन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सभी महिलाएं बेलन रहती हैं। जो लोग हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए बेलन से रोटी बना करके खिलाएंगे, और जो लोग इसमें बाधक बनेंगे उनका स्वागत बेलन से करेंगे। ये महिलाओं का संकल्प, ये महिला भी मुख्यतः आज यहाँ इस आंदोलन में समर्थन देने हैं। चूँकि वीरू जी बराबर गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और मेरा भी फितरत रहता है कि जो समाज में असमानता है उसकी उसको कैसे गैप को ब्रिजअप किया जाए और इस लड़ाई को। और नीतीश कुमार जी जो यहाँ से उम्मीदवार दिए हैं वो हैं तो अति पिछड़ा समाज से, लेकिन किसी भी समाज के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि एक ऐसे घोटाला के स्पॉन्सर्ड बन गए जिसमें कोरोना काल में ऑक्सीजन बेचा गया, ब्लैक किया गया, एक्सपायर। हम लोगों ने महागठबंधन को सपोर्ट किया है, वो इसलिए कि हमारे समाज का एक मांग है, हमारे समाज को अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जाए, उसके सूची में शामिल किया जाए। उसके लिए हम लोग बेलन आंदोलन करके एक आंदोलन चला रहे हैं और कई बार लगातार हम लोग करते रहे आंदोलन, लेकिन सरकार को इस पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल में बेलन महारैली करके और सरकार को मैसेज दिया था कि हम लोग आपका खिलाफ करेंगे और पूरे बिहार में आपको हराने का काम करेंगे। यहाँ पर आपका सवाल है कि अरुण कुमार जी ही क्यों, तो महागठबंधन के सपोर्ट करने से पहले ही ने हम लोगों ने लिख कर दे दिया था कि जहानाबाद छोड़कर पूरे बिहार में हम आपका सपोर्ट करते हैं, जहानाबाद में यह समाज अपने मनपसंद उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा। और जिस हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं पिछले जब से नामांकन हुआ उस टाइम से, तो यहाँ रिजल्ट चौंकाने वाला होने वाला है। इसलिए कि गांव-गांव में हम लोग जाते हैं और मीटिंग करते हैं अपने समाज के बीच से लेकर दलितों के बीच में भी और अति पिछड़ा के बीच में भी। तो हम लोग इसलिए आपका समर्थन कर रहे हैं, श्री अरुण कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम लोग आज तक वोट दे देकर जिताते रहे और यह उम्मीद रखे कि हमारे दर्द को, हमारे सवाल को सदन के अंदर उठा रखने का काम करेंगे, लेकिन किसी ने यह काम करने का काम नहीं किया। हम लोगों को पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि डॉक्टर अरुण कुमार नुनिया बिन बेलदार समाज का जो मूल सवाल है आरक्षण का सवाल, इस सवाल को सदन में भी उठाएंगे और सड़क पर भी। आज तक हम लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर ये मंच पर कभी नहीं आए हैं, लेकिन
पर्दे के पीछे से इनका सहयोग हम लोगों को मिलते रहा है और हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं इस लड़ाई में। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जहानाबाद के अंदर डॉक्टर अरुण कुमार जी का समर्थन करेंगे।